हेलो फ्रेंड्स, यदि आप टीनेजर्स हैं यानी कि 10 to 20 ईयर के बीच में हैं तो आपको अभी प्यूबर्टी आने वाली है और प्यूबर्टी के बाद में भी कई प्रकार की हार्मोनल समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको टीनेज के अंदर होने वाली हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याओं के बारे में बताने जा रही हूँ। उनके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है और उनको कैसे कैसे मैनेज किया जाए। तो जैसे ही आपकी टीनेज शुरू होती है तो आपको प्यूबर्टी वाली समस्याएं आने लगती हैं, जिसमें कि यदि आप फीमेल हैं डेफिनेटली आपको मेंसेस शुरू होने लगते हैं, जिसको कि मेनार्के बोलते हैं। जनरली 12 से 13 साल की उम्र में शुरू होते हैं, उसके साथ ही साथ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी शुरू होता है और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स का भी डेवलपमेंट होता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा हार्मोन्स के अंदर भी बदलाव आता है और आपकी बॉडी का रीशेपिंग होने लगता है, जिसकी वजह से आपको एक नई तरीके की फीलिंग आने लगती है। आपको अपने बॉडी के अंदर बदलाव लगते हैं, जिससे कि तो आप थोड़ा अपने बॉडी के लिए कॉशियस भी होने लगते हैं। तो ये सारे जो बदलाव है वो एक नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न है बॉडी का, जो कि जरूरी है, नेचुरल है। तो उनके लिए टेंशन नहीं लेनी है, आराम से उनको फॉलो करना है, उनको एंजॉय करना है। अब इसके साथ ही साथ जो समस्याएं आने लगते हैं कि एक्नीस बहुत ज्यादा होती है, पिंपल्स होने लग जाते हैं, किसी किसी को हेयर्स ग्रोथ होने लग जाती है और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, जिसको हिर्सुटिज्म बोला जाता है। और यदि पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं तो एक्नीस के कारण आपको पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। तो इसके ये सारी चीजें कुछ एक्चुअली में फाइनली हमें प्रॉब्लम देने लगती है। उसके साथ साथ यदि मेंसेस आने लगते हैं और मेंसेस शुरू शुरू में बहुत इरेगुलर होते हैं तो आपको लाइफ पूरा मेस लगने लग जाती है। तो इस तरीके से आप मेस में लैंड अप ना कीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, समझ लीजिए कि आपको एक्चुअल में टीनेज में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मेनार्के शुरू हो गया है तो मेनार्के का मतलब है कि आपके मेंसेस शुरू हो गए हैं और मेंसेस जनरली 28 से 30 दिन के अंदर दोबारा रिपीट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर रिपीट हो। तो इसके लिए घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, क्योंकि शुरू शुरू में 1-2 साल 3 साल पैटर्न सेट होने में टाइम लगता है और इसमें किसी प्रकार की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप एक रूटीन चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी छोटी छोटी कई सारी क्वेरीज का जवाब दे देंगी, जिससे कि आप मेंटल टेंशन फ्री हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी मम्मी आपको नहीं दे पाती है जवाब उनका, लेकिन एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको जरूर दे सकती है। क्योंकि एज अ मदर, मेरी बेटी ने भी मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन मैं गायनेकोलॉजिस्ट मदर थी तो मैंने आराम से उसके सारे सवालों के जवाब दिए और उसके सारी समस्याओं का समाधान किया। आपके घर में आपके मदर गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है तो आप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर लीजिए, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मेंसेस इरेगुलर हो तो समस्याओं उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुरू के दिनों में इरेगुलर ही रहते हैं और धीरे धीरे अपने आप रेगुलर हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि आपको अब हेयर ग्रोथ नजर आने लगी है तो वो भी एक ग्रोथ का हिस्सा है, तो उसके लिए भी अपने बॉडी इमेज को लेकर किसी प्रकार की बॉडी शेमिंग में ना फंसे, बॉडी शेमिंग को लेकर टेंशन ना लें, क्योंकि बॉडी इमेज के लिए आजकल के बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल बॉडी का ग्रोथ पैटर्न है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हेयर्स हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिस्ट को भी विजिट कर सकती हैं, जिससे कि वो आपको एक सही सलाह देंगे कि आपको कौन सी हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल करनी है, या आपको वैक्सिंग करवानी है, या आपको लेजर ट्रीटमेंट करवाना है। क्योंकि आपको बिना सलाह के इनमें से कोई सी भी चीज यूज नहीं करनी चाहिए, हेयर के प्रॉब्लम का भी सलूशन हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, एक्नीज आ रही हैं, जिनसे कि आपको फेस के ऊपर इरिटेशन हो रहा है, किसी किसी की बैक पे भी काफी ज्यादा एक्नीज हो जाती है, शोल्डर्स पे हो जाती है, चेस्ट में फ्रंट पार्ट पर हो जाती है, तो ये सारी चीजें बहुत इरिटेशन करती है और गर्मी के समय में तो बहुत ही प्रॉब्लम देती है, क्योंकि ये पेनफुल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें स्किन केयर स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि जनरली इसमें किसी कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ क्रीम्स का मेडिसिन दिया जाता है, जिससे कि काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ ही साथ जब हार्मोनल इंबैलेंस की बात आती है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन में का जो रिदम है वो सेट होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन इनको बैलेंस करने के लिए 21 दिन वाली गोलियां दी जाती है, लेकिन हम जल्दी से शुरू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी अपने इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं। यदि बिना मेडिसिन कोई भी चीज बैलेंस हो जाती है या मैनेज हो जाती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले टेंशन फ्री रहना पड़ेगा, अपना डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा योगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा और थोड़ी एक्सरसाइजेस जरूर करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका नेचुरल रिदम बना रहे। इसके लिए टाइम पर सोना और टाइम पर उठना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टीनेजर्स में जनरली लेट सोना और लेट उठने की आदत होती है, जिससे कि बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है और हार्मोनल एक्सिस भी डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस प्रकार से यदि और आप जंक फूड को अवॉइड करते हैं और हेल्दी फूड खाते हैं, जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल है, दूध है, दही है, छाछ और 3 से 4 लीटर अगर पानी पीते
देती हैं, तो बॉडी में टॉक्सिन्स का वॉश आउट हो जाएगा और आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती रहेगी। और जंक फूड को अवॉइड करने से, जो ऑयली फूड आप खाती हैं जिससे आपको बहुत सारे पिंपल्स होने की संभावनाएं रहती है, तो वो सब भी आपके मैनेज हो जाएंगे। और इसके साथ यदि आप फोकस नहीं कर पा रही हैं और आपको टेंशन स्ट्रेस ज्यादा रहता है, आप थोड़ा मेडिटेशन में 10 से 20 मिनट भी पूरे दिन भर में स्पेंड करती हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होने के कारण हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो भी काफी हद तक मैनेज हो जाता है। यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कर आप हार्मोनल इम्बैलेंस को बिना मेडिसिन ही ठीक कर सकती हैं। और यदि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती हैं तो आपको ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देगा, क्योंकि टीनएजर्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होते होते फिर पीसीओडी डेवलप होने लग जाता है, पीसीओडी के साथ हिर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है, फिर पीरियड्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर आपको ओबेसिटी यानी कि आपका वजन बढ़ने लग जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। और फिर फाइनली फिर हम भी यही बोलेंगे आपको कि आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है। ये सब चीजें आप रेगुलर बेसिस पर कीजिए। और जंक फूड जिसका कि आप बर्गर पिज्जा और चीज बोलते हैं तो आप हफ्ते में एक दो बार खा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकती हैं, बट आप कभी कभी लीजिए लेकिन रोज मत लीजिए। और लेकिन एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन रोज करना है, 3 से 4 लीटर पानी जरूर रोज पीना है, और टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, ताकि सारी समस्याओं का एक ही हल हो सके। यदि आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको वीडियो में नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकती हैं। और आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग अवेलेबल हैं, हमें पता है कि आज का यूथ सारा इंस्टा पे अवेलेबल है, हम भी इंस्टा पर हैं, आपको सारे वीडियोज नोटिफिकेशन वहां भी मिलेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।